संगीतमय वाइब्रेशंस में, सत्संग के ऑरा में तुम गहरी डुबकी लगाना। मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चले जाना, अंतर्मुखता की शिखा को जगमगाना, बहिर्मुखता की एटमॉस्फेयर में तुम थोड़े थोड़े अंतर्मुखी होते चले जाना। ये चेतना जो बाहर बहती है खंड खंड है, चेतना को अखंड बना लेना, अपने भीतर शिव नेत्र से कनेक्टेड होते जाना, अपनी कॉन्शियसनेस को अपने ही ऊपर उड़ेलते चले जाना, स्वयं पे दया करना, अपने पे करुणा करना। अपनी ओर मुड़ते चले जाना और जागे जागे देखते रहना जो भी हो रहा है, अंधेरा है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में मन का खेल शुरू हो जाता है, आप इन सभी स्थितियों के दृष्टा बने रहना, तुम साक्षी अकर्ता होकर के देखते चले जाना, अपने स्वभाव में अधिक से अधिक स्थित रहना। भावदशा में डूबते चले जाना, प्रभु प्रेम प्रभु प्यास की अलग जगाते चले जाना, और अगर विचार दशा है तो जागे जागे देखते रहना। देखने मात्र से तेरा जागरण बढ़ता चला जाता है और एनर्जी निरंतर जनरेट होती चली जाती है। तेरी ऊर्जा में, तेरी एनर्जी में इजाफा होता चला जाता है। मूलाधार से सहस्रार की ओर बढ़ती हुई ऊर्ध्वगामिनी होती हुई अपवर्ड होती हुई एनर्जी स्वयं वर्क करती है, स्वयं तेरी बॉडी को स्थिर करती चली जाती है, स्वयं अपनी राह निर्मित करती चली जाती है। तुझे कुछ नहीं करना, कदाचित नहीं करना, एकमात्र अपने स्वभाव में स्थित होते चले जाना, थोड़ा माइंड से हटते चले आना। बहुत अधिक आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, माइंड से थोड़ा सा भी डिस्टेंस डेवलप नहीं हो पा रहा, परंतु निराश नहीं होना, ये बहुत शीघ्र होता है, ये परम घटना बहुत शीघ्र घटित होती है। अगर तुझे थोड़ी सी भी प्रायोरिटी अपनी ओर जागने की है, अपने आप को स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, सुख पूर्ण जीने की अगर थोड़ी सी भी प्यास है, तो इस अंतस की यात्रा पर रहना। इट्स अ वंडरफुल इनर जर्नी, दिस इज अ लाइफ जर्नी वेयर यू डिस्कवर योर ओन रियल सेल्फ, यू डिस्कवर योर ओन ट्रू नेचर विच मेक्स यू हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी इन स्पिरिट। प्रेममय होना मेडिटेशन का एक महत्व उद्देश्य है।
अकर्ता होते चले जाना, नॉन डूअर होते चले जाना। माइंड की डूइंग्स को देखने के लिए तुम स्वयं अकर्ता हो जाना, एक न्यूट्रल एनर्जी हो जाना, निष्पक्ष ऊर्जा होकर के देखना। यही तुम्हारा स्वभाव है, यही हम सब का एकमात्र स्वभाव है। अपने स्वभाव में स्थित रहना धारणा है, अपने स्वभाव की धारा में रहना यही एकमात्र जीवन धारा है। जब तक माइंड का खेल चल रहा है तुम जागे जागे देखते रहना, और जैसे ही भाव दशा उमड़े, प्रभु प्रेम प्रभु प्यास का आलम जगे, उसके लिए हार्दिक पुकार उठे, तो उन तरंगों लहरों में, उस छलकते हुए महासागर में तुम गहरी डुबकी लगाना। वर्तमान में रहना, भूत भविष्यों की रस्सियों में झूलते हुए माइंड के साथ बहुत कम रहना। उसका स्वभाव है पास्ट और फ्यूचर में रहना, तेरा स्वभाव है प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट मोमेंट्स जहां उस विराट की अभिव्यक्ति है, जहां ऊर्जा का द्वार, एनर्जी का सोर्स, जहां चैतन्य की शिखर है, वो एक बार थर्ड आई, साक्षी भाव, दृष्टा भाव तेरा स्रोत है। उसी में पुनः पुनः वापस लौटना, पुनः पुनः अपनी सुरती में, अपने स्वभाव में उतरते चले आना। ध्यान होता है किया नहीं जाता, करना कुछ नहीं, केवल ध्यान अपनी ओर जगमगा लेना। जो बाहर की ओर बहता है वो भीतर की ओर बहा देना, इतना सा टर्न कर लेना, सब कुछ जो भी भीतर है सब तेरे सामने प्रोजेक्ट होता चला जाएगा। अपने अंधेरों को भी दूर करना, अपनी डुअलिटीज को भी थोड़ा देखने वाले बनना, इस माइंड की गति को, विचारों की गति को जागे जागे देखते रहना। देखते 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 तुम एक दिन पूरी तरह जागते हो। ये जागरण, ये जागृति, ये एक बात अवेयरनेस तेरा परम धन है, परम संपदा है। कैसे सकून पा तुम्हें देखने के बाद, कैसे सकून पा
अब क्या मैं गीत गाऊं, अब क्या शब्द सुनाऊं, तुम्हें देखने के बाद कैसे सकून पाऊं, तुम्हें देखने के बाद कैसे सकून पाऊं। यह प्यास का आलम मेडिटेशन है, एकमात्र थर्स्ट प्यास, एकमात्र भूख हंगर फर्स सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट। कैसे सकून पा तुम्हें देखने के बाद, कैसे सकून पा। अरे वाह नरेन, अपने बाबा की बेटी क्या गजब की पुकार उठाता है। नजरों में ताबे दीद भी अब कुछ बची नहीं, नजरों में ताबे दीद किसी से आंख मिलाने की अब कोई इच्छा ही ना रही। नजरों में ताबे दीद भी अब कुछ बची नहीं, किससे नजर मिला किससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद अब क्या मैं गीत गा। प्यास का शिखर देखना, प्यास का दर्द देखना, आंख मिलेगी तो कैसे मिले, आंख खुलती ही नहीं। डेथ बेड पे पड़े हुए बाप ने कहा, नरेन कभी मेरे से भी तो नजर मिला लिया कर, कभी मेरे प्रति भी तो आंख उठा लिया कर, कभी थोड़ी सी आंख मेरी तरफ भी तो उड़ेल दिया कर। लीडिंग एडवोकेट रहने वाले हाईकोर्ट बंगाल की, बाप ने डेथ बेड पे 18 वर्ष के बालक को कहा, बेटे कभी ये नजर मेरे से भी तो मिला लिया कर। 6 वर्ष के बालक नानक को मां कहती है, नानक थोड़ी नजर मेरे पर भी, मेरी और भी तो उतार लिया कर, मैं दिन रात तेरे कारण बेचैन रहती हूं, मैं दिन रात तेरी ओर देखती रहती हूं, कभी तो तू अपनी आंख मेरे पे उड़ेलेगा, कभी तो नजर से नजर मिलाएगा अपनी मां के साथ। जब मां ने नानक को बार बार कहा, मैं रात दिन इसी एक इंतजार में, उस पल के इंतजार में, उन पलों के इंतजार में रहती हूं, कब तू आकाश से, आसमान से अपनी नजर उठाकर के, थोड़ी हटाकर के मेरी ओर देखेगा तो मैं निहाल हो जाऊंगी। मां
अभी तो मेरी आंख को कोई, मेरी नजर को कोई, उससे हटा नहीं पाया। ये हटती नहीं, मेरे चाहने पर भी हटती नहीं। यह नजर उस मालिक के साथ ऐसी जुड़ी है, मां जिस दिन ये भरपूर हो जाएगी ना, उस दिन मैं तेरे साथ जरूर जरूर जरूर। अभी तो मेरी आंखों में एक उसी की प्यास छलकती है, मेरी आंख उससे हटती नहीं, मैं तेरे प्रति कैसे देखूं। परम मातु परम पितु की ओर से तो आंख हटे ना, तो ही तो तेरी और भाई नहीं होता। उसने ऐसा पकड़ा है मेरी नजर को, ऐसा पकड़ा है, ऐसा उड़ेला अपनी प्यास को, उससे नजर हटती नहीं। वो सुरती द्वार पर टिकी रहती है, उससे अवकाश नहीं तनिक मात्र। मां दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल वही समाया है नजरों में, और कोई समा नहीं पाता, और उससे कोई बेटर है नहीं। ये प्रेम, ये प्यास, ये दर्द, ये दीवानगी, ये जुगलबंदी, ये एकमात्र ट्रू लव, ये प्रेम भाव एकमात्र। मेडिटेशन में डूबी हुई नजर, ध्यान रत प्रेम रत होकर के डूबी हुई नजर किससे मिले? नरेन के दिलो दिमाग पर नरेन की दोनों नजरों में बाबा है। पिता कहता है, तूने क्या कर डाला अपनी जवानी के साथ? अरे हिप्नोटाइज हुआ है, बाबा ने तुझे हिप्नोटाइज किया है, सम्मोहित किया है। उस बाबा ने, पगले ने, उस बावले ने, उस अनपढ़ अपढ़ गंवार ने न जाने कितनी गालियां देता है बाप, उसने तुझे हिप्नोटाइज किया है, तो उसके हिप्नोटिज्म में उसका शिकार हुआ है, अपने आप को मोड़ ले वहां से, क्या मिलेगा? उसके पास है क्या? तो लीडिंग एडवोकेट का पुत्र क्या कर रहा, कितना भटक रहा है, कहां लगी है तेरी नजर? जरा देख मेरी ओर तो देख। नहीं, नजरों में ताबे दीद भी अब कुछ बची नहीं, नजरों में ताबे दीद भी अब कुछ बची नहीं, किस से नजर मिला उसे देखने के बाद, किस से नजर मिला उसे देखने के बाद, अब क्या मैं गीत गाऊं, अब क्या मैं गीत गाऊं उसे देखने के बाद। ओ पापा, ओ मेरे डैडी, अब क्या मैं गीत गाऊं उसे देखने के बाद, कैसे सकून पाऊं तुम्हें देखने के बाद,
कैसे सकून पाऊं। पिताश्री, मेडिटेशन हैज नेवर बीन ए हिप्नोटिज्म। ये प्रीति, ये प्रेम का नाता, ये प्यार का आलम, ये मोहब्बत का आलम, ये आत्मिक प्रेम, आत्मिक संबंध, आत्मिक नाता, आत्मिक रिश्ता, जहां तालमेल बैठ जाता है गुरु शिष्य के बीच, स्वामी सेवक के बीच, संत साधक के बीच, जब ये तालमेल आत्मिक तल पे बैठ जाता है, पिताश्री वाह हिप्नोटिज्म नहीं है, ये सुपर साइंस है। इट इज एन एंटीडोट फॉर हिप्नोटिज्म, इट इज नॉट हिप्नोटिज्म। मेडिटेशन प्यास है, थर्स्ट है, जो मेरे बाबा ने मेरे भीतर जगाई है। आप वो दर्द दीवानगी, आप वो परम संपदा, परम धन मुझे नहीं दे पाए जो बाबा ने दिया है। आप उससे मुझे वंचित करना चाहते हैं। आप स्वयं देखिए अपने हालात को, आपके हाथ लगा क्या है। मुझे उससे वंचित करते हो, मुझे उससे दूर करना चाहते हो। तुम अपनी मोह माया, अपनी अटैचमेंट, अपनी आसक्ति के अंधेरों में मुझको डुबो देना चाहते हो, किंतु ये प्यास का शिखर इतना जगमगाया हुआ है, आप मेरी आंखों से उसे ओझल नहीं कर सकते। मैं आपके लिए, आपकी व्यवस्था के लिए, आपकी देखभाल के लिए, आपकी लुक आफ्टर के लिए बैठा हूं। कहीं आपको ठीक करता करता मैं खुद ही ना बीमार हो जाऊं, कहीं मैं आपकी देखभाल करता करता, कहीं मैं आपको स्वस्थ करता करता, कहीं मैं ही ना अस्वस्थ हो जाऊं, कहीं मैं ही ना दिलो दिमाग से बीमार पड़ जाऊं। ये पूरी सावधानी मेरे भीतर उतरी है। आपकी सेवा करते करते अगर एक पल के लिए भी आपने मुझको अपनी मेडिटेशन से, अपनी प्यास दर्द दीवानगी से हटने की बात कही, तो पिताश्री मैं आपका त्याग कर सकता हूं, किंतु मेडिटेशन का नहीं। बाबा का नहीं, उसका उपकार मैं भूल नहीं सकता। उसने जो जीवन दिशा दिया है, जो एक दिन आपको भी अमर कर देगी, आबाद कर देगी। मेरी तो प्रार्थना यही है कि पिताश्री आप हाय हाय की बजाय वाह वाह करो। आप भी अपना ध्यान प्रभु से जोड़ो, आप भी अपनी सुरती, अपना ध्यान बजाय मेरे ध्यान सुरती को मुझसे छीनने की, मुझको उससे वंचित करने की बजाय आप स्वयं इसको थोड़ा सा अपने भीतर पिरो करके देखो, थोड़ा प्रेम प्यार मोहब्बत जगाइए अपनी आत्मा के साथ, सारे दर्द दूर हो जाएंगे। ये तमाम प्रारब्धवश आए हुए दुख दर्द ये भी सहनीय हो जाएंगे। हंसते हंसते वाह वाह करते हुए सहन होगी, कितने भी संकट, कितने भी क्राइसिस आए, हंसते हंसते स्वीकार होते चले जाते हैं। पिताश्री मुझे मेरी संपदा से वंचित करने की कोशिश मत करना। अगर आपने भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति करना है, आपने भी अगर स्वस्थ पूर्ण रहना है, तो मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि बजाय आप नेगेटिविटी पिरोएं किसी के प्रति, आप थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के जिए, थोड़ी पॉजिटिविटी में आए। मुझको हटाने की बजाय तुम स्वयं भी चले, ये असली दवा है, मेडिसिन है। आप भी साथ चलें, आप भी थोड़ी कदर करें, रिस्पेक्ट करें उस सुपर साइंस की जिसने मुझको जीवन दिशा इस छोटी सी आयु में दे दी, मुझको अपना आसमा, अपना अस्तित्व, मुझको अपना शिखर प्रदान कर दिया, जिसने मुझको जगा दिया कि मैं हूं कौन। इस सुपर साइंस में उतार दिया,
जो संपदा उसने दिया वही मेरा परम पितु परमात्मा है। मैं एक पल के लिए भी इस आंगन में नहीं रह सकता, ये तो उसकी आज्ञा है, उसका हुक्म है, मैं बजा रहा हूं, वरना एक पल के लिए भी उसके बिना जीना, उसकी नियरनेस के बिना जीना मुझे कदाचित भी सहन नहीं होता। नजरों में ताबे दीद भी अब कुछ बची नहीं, किस से नजर मिला उसे देखने के बाद, किस से नजर मिला उसे देखने के बाद, अब क्या मैं गीत गाऊं, उसे देखने के बाद कैसे सकून पा, तुम्हें देखने के बाद कैसे सकूं।